बीबी किसान बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका हेलो किसान में। मैं हूं अंजू सिंह। हेलो किसान आप किसान भाई बहनों के लिए एक लाइव फोन इन कार्यक्रम है, जिसमें कृषि संबंधी विभिन्न विषय हम लेकर आते हैं, उन पर होती है विस्तृत चर्चा और साथ ही आपके सवालों के जवाब लेते हैं अपने विषय विशेषज्ञ से। अगले एक घंटे तक हमारी फोन लाइन, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके लिए उपलब्ध रहेगा। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, आपके सवाल लें और विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाएं। उससे पहले नजर डालते हैं आज के विषय पर। तो आज के विषय की बात करें तो हमारा आज का पहला विषय है थ्रेशर का रखरखाव एवं प्रयोग एवं सावधानियां, आम के बागों का प्रबंधन। इन दोनों ही विषय से जुड़े हुए अगर आपके कोई भी सवाल हैं तो आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपने सवाल बता सकते हैं। इसके लिए आप नोट कर लें हमारा टोल फ्री नंबर। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-1130-66। दूसरा नंबर भी नोट कर लें, 1800-1130-66। टोल फ्री यानी इस पर आपका कोई शुल्क नहीं लगेगा, तो बस फ़ोन उठाएं और अपने सवाल हम तक पहुंचाएं। इसके साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं और साथ ही आप हमें इस पर अपने सवाल व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो आप देख लें 8800-520-7177 ही हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पर आप अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप चाहे तो टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर वॉइस आप मैसेज भी कर सकते हैं। इसके साथ आप हमें ईमेल भी करें, हमारा ईमेल पता नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। कुछ खास बातों का आप ध्यान रखें, यानी बहुत ही बेसिक बातें हैं। जब आप हमें फ़ोन करें तो नेटवर्क क्षेत्र में रहें, ऐसी जगह से फ़ोन करें जहां पर बहुत ज़्यादा शोर ना हो, ताकि हम आपके सवाल को स्पष्ट रूप से समझ सकें। इसके अलावा अपने क्षेत्र का नाम बताएं, अपना नाम बताएं, व्हाट्सएप करते हुए भी कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहें, अपना नाम और उसमें अपने क्षेत्र का नाम भी ज़रूर मेंशन करें। इसी तरीके से ईमेल भी करें, आपके ईमेल हो, व्हाट्सएप सवाल हो या फिर आपका टोल फ्री नंबर पर कॉल हो, ये सभी लाइव हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। आज का हमारा जो पहला विषय है, थ्रेशर का कैसे रखरखाव करें, यानी थ्रेशर जिसे हम कटाई के बाद जिसका इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और आम के बागों का कैसे रखरखाव करें। दोनों ही विषय पर हम विशेषज्ञों से बात करेंगे। तो आइए पहले मुलाकात करवा लेते हैं आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, जो एक्सपर्ट हैं। हमारे साथ डॉक्टर वी एन काले जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप अपर आयुक्त हैं कृषि मशीनरी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। तो जो हमारा आज का पहला विषय है यानी थ्रेशर, उसके बारे में हम बात करेंगे आपसे। और हमारे दूसरे मेहमान डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कुंदन किशोर जी। सर, स्वागत है आपका भी कार्यक्रम में। और आप नमस्कार। आप प्रधान वैज्ञानिक है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ में। और आज का जो दूसरा विषय है यानी आम के बागों की देखरेख कैसे करें। आम का समय आ रहा है, तो ऐसे में जो किसान आम की फसल लेते हैं, आम के बाग हैं जिनके पास, उनके लिए आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर कुंदन जी। तो आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें। तो चलिए एक बार फिर से आज का जो विषय है उस पर हम लौटते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशर की। और जैसा कि बहुत सारे किसान इस वक्त कटाई कर रहे हैं अपनी फसलों की, गेहूँ की कटाई का समय है और कुछ अभी करने वाले हैं, अगले 10-15 दिनों में पूरी तरीके से कटाई का समय आ जाएगा। तो सर, थ्रेशर का किस तरह का उपयोग होता है, कटाई उपरांत क्यों ये मशीन बहुत महत्वपूर्ण है? आज मैं कहना चाहूँगा कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं थ्रेशर के ऊपर। जैसा कि जो हमारी हरित क्रांति हुई है उसमें आप देखेंगे तो थ्रेशर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा।
इस थ्रेशर के कारण ही हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई। जैसे आप पुराने ज़माने में देखते होंगे कि पहले बैलों के सहारे सारा वो जो है हम लोग अनाज अलग करते थे या रोलर्स यूज़ करते थे, उसके बाद फिर वो उसके बाद जो विनोइंग करते थे, मतलब वो भी हवा के सहारे अनाज अलग करना करते थे, लेकिन उसमें बहुत मेहनत लगती थी और मेहनत के कारण जो भी हमारी प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं थी। लेकिन जैसे ही ये कृषि मशीनरीकरण हो गया, यांत्रिकरण हो गया, और उसमें थ्रेशर का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि थ्रेशर जो है, थ्रेशर एक अनाज से मतलब वो अलग करता है, दानों को अलग करता है, उसके साथ में भूसा वूसा वो भी उसको चाप जो है निकाल देता है, और साफ सुथरा अनाज हमको डायरेक्टली हमको बैगेज के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण जो है थ्रेशर का हमारे कृषि में। बिल्कुल, और थ्रेशर देखिए, जिस वक्त थ्रेशर इंट्रोड्यूस हुआ सर, वो एक तरह से कृषि में या फिर कटाई के उपरांत जो कार्य होते हैं उस क्षेत्र में एक क्रांति की तरह इसे देखा गया, और अभी इतने वर्ष हो गए हैं फिर भी इसकी उपयोगिता अभी भी जस की तस बनी हुई है, और हमारे किसानों का इससे श्रम बचता है, दाने जो हैं वो नहीं टूटते हैं, दाने अच्छे शेप में अच्छे आकार में रहते हैं, इसके साथ साथ समय की बचत भी होती है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसका रखरखाव बहुत आवश्यक है, लेकिन साथ ही क्योंकि एक मशीन है, इसमें ब्लेड्स होती हैं, पंखा होता है, तो उसी के अनुसार आपको सावधानी भी बरतनी है। थ्रेशर से हर साल कई सारे एक्सीडेंट्स भी होते हैं, अप्रिय घटनाएं भी होती हैं, इसीलिए इसका रखरखाव, इसकी सावधानी दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर हम चर्चा करें, आपके सवाल हैं, उससे पहले ये देखते हैं रिपोर्ट। फसल की कटाई के लिए थ्रेशर काफी काम की मशीन है, लेकिन थ्रेशर का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। साथ ही मशीन के उपयोग के बाद उसके रखरखाव की भी जरूरत होती है। थ्रेशर का इस्तेमाल फसलों के कटने के बाद सिर्फ 1 से 2 महीने ही होता है, उसके बाद थ्रेशर को किसी सुरक्षित जगह में रख देना चाहिए, जिससे थ्रेशर के पुर्जों के मौसम और पानी से खराब होने की आशंका न रहे। थ्रेशर को कुछ समय खाली चलाना चाहिए, जिससे उसमें बचे फसलों के डंठल और दाने बाहर निकल जाएं। थ्रेशर की छलनियों से सारा भूसा, डंठल और दाने निकाल लेने चाहिए। जहां तक हो पंखे के रास्ते को, जिससे हवा खींची या बाहर फेंकी जाती है, साफ कर लेना चाहिए। सभी रबड़ की बेल्ट और पट्टे को निकालकर ऐसी जगह पर रख देना चाहिए जहां गर्मी, बरसात और धूल न आती हो। थ्रेशर को पानी से धोने के बाद धूप में सुखा लेना चाहिए। थ्रेशर के पुर्जों की जांच कर लें और जिन पुर्जों की मरम्मत या बदली करनी हो उन्हें कर लें, जिससे थ्रेशिंग के वक्त काम में दिक्कत न आए। सावधानियों की बात करें तो जब किसान थ्रेशर को खेत में लगाएं तो ध्यान रखें कि जगह समतल हो, थ्रेशर की जरूरत के हिसाब से ही पावर दें, चलते थ्रेशर के पास उठे बैठे नहीं और न ही पट्टे को लांघें। कभी भी थ्रेशर चलाने में जल्दीबाजी न करें। थ्रेशर को तय गति से तेज और धीमा चलाने से मशीन की क्षमता पर असर होता है। थ्रेशर का उपयोग करते समय गले में गमछा या ऐसे कपड़ों को नहीं पहने जिससे उसके थ्रेशर में फंसने की आशंका हो। तो थ्रेशर से जुड़ी रिपोर्ट अभी आपने देखी, कुछ बातें हमने रिपोर्ट में आपको बताई, इसके अलावा भी इन पर विस्तृत अब आगे हम चर्चा करेंगे। आप अपने सवालों के साथ तैयार रहें, हमें ईमेल करें, व्हाट्सएप करें, या फिर हमारे टोल फ्री नंबर पर आप लाइव कॉल भी कर सकते हैं। आज का दूसरा विषय यानी आम के बागों की देखरेख। गर्मियों का मौसम, अगर जब हम बात करते हैं गर्मियों के मौसम की, तो उसके साथ साथ आमों का जिक्र ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। आम के बारे में सोचते मुंह में मिठास से घुल जाती है, और ये बहुत ही प्रिय फल है। हमारे किसान इसकी अच्छे से देखरेख कर, यानी इसकी बागों की देखरेख कर, उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं और अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं। तो इसीलिए आइए हम बात करते हैं कुंदन जी से। डॉक्टर कुंदन, आम के बागों की अभी स्थिति क्या है? कहीं कहीं तो बौर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी, जो किसान अलग अलग, क्योंकि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह से अब देखते हैं कि जो प्रभाव है वो देखने को मिलता है। फिलहाल उत्तर भारत की मुख्य रूप से बात करें तो क्या स्थिति है अभी? जो स्थिति है आम की, वो उसमें जो फूल जो है वो लगभग
फूल का जो एक पीरियड होता है वो समाप्त हो चुका है और सभी में छोटे छोटे दाने लग चुके हैं। अभी इस परिस्थितियों में ये देखा जाता है कि ये अभी रखरखाव की बहुत महत्वपूर्ण है, ये जो स्थिति है, अवस्था है, ये बड़ी महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि अगर हम अच्छे से रखरखाव नहीं करेंगे, चाहे वो दवा का छिड़काव हो या फिर पानी का प्रबंधन हो, तो जो इसमें फल लगे हुए हैं वो फल गिरना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और अंततः बहुत कम ही फल बचते हैं। तो इसमें अभी बहुत महत्वपूर्ण अवस्था है और इस अवस्था में किसानों को जो है जो पानी की व्यवस्था और जो हमारे जो कुछ हार्मोन का स्प्रे जो फल के गिरने को रोकने के लिए, ये सभी की बहुत अधिक जरूरत है, ताकि अधिक से अधिक फल जो है हमारे पेड़ों में लगे और अंततः एक अच्छा उत्पादन हमको आम का। बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि फूल लग चुके हैं और छोटे छोटे अभी मटर के दाने के जितने सर फल हैं अभी। हाँ, मटर के दाने के जैसे फल लगभग हो चुके हैं। लगभग हो चुके हैं। तो ये अवस्था बहुत ही जरूरी है, ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि अगर यहाँ चूक हो गई तो ये फल झड़ जाते हैं, फूल गिर जाते हैं, जो कि हमारे किसानों की अक्सर शिकायत भी होती है, समस्या भी होती है। तो ऐसा ना हो, जाले जो एक लगने की समस्या आ जाती है वो भी ना हो, क्योंकि उससे भी फलों की संख्या प्रभावित होती है। इसके बारे में हम बात करेंगे सर आपसे, और दर्शकों से कहेंगे कि आप भी अपने सवाल ज़रूर हम तक पहुँचाएँ, आगे बातचीत की शुरुआत करें और आपके सवाल लें, आपके ईमेल लें, व्हाट्सएप लें और टोल फ्री नंबर पर आपके कॉल्स लें। उससे पहले रिपोर्ट देख लेते हैं। इस समय काफी किसानों ने आम के बाग लगा रखे होंगे। अच्छी फसल के लिए आम के बागों का उचित प्रबंधन जरूर करें। मार्च महीने में आम में पुष्पण के बाद फल लगने की क्रिया शुरू हो जाती है। पुष्पण के दौरान किसी भी कीटनाशी के इस्तेमाल करने से बचे। इस अवधि में छिड़काव करने से जहां एक ओर पराग कण बह जाते हैं, वहीं फायदा पहुंचाने वाले कीट भी मर सकते हैं। इसके अलावा पुष्पण के दौरान बागों की सिंचाई भी नहीं करें, लेकिन फल लगने के तुरंत बाद सिंचाई के लिए उचित व्यवस्था कर लें। फलों को गिरने से बचाने के लिए यूरिया के 2% घोल का पेड़ पर छिड़काव करें। इन पर नियंत्रण के लिए 700 मिलीलीटर मिथाइल पैराथियन 70 EC को 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें और नीचे गिरे या पेड़ पर चढ़ रहे कीटों को इकट्ठा करके अलग कर दें और घास साफ रखें। मिलीबग से बचाव के लिए पेड़ों के तने पर पॉलीथिन की 3 फुट चौड़ी पट्टी भी बांध सकते हैं। अगर तेला कीट फूल पर दिखे तो 700 मिलीलीटर मेलाथियन 70 EC 700 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। ध्यान रखें कि आम के बागों में किसी भी तरह की दवा का इस्तेमाल करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आम की डासी मक्खी के नियंत्रण के लिए मिथाइल फ्यूजनॉल ट्रैप का इस्तेमाल करना चाहिए। इस समय नए लगे पौधों पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। नए लगे पौधों में 1 हफ्ते के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। लू और गर्मी से बचाने के लिए इन्हें 3 ओर से छप्पर से ढक देना चाहिए। पूर्व की दिशा को थोड़ा खुला रखें, जिससे सूरज की रोशनी और हवा मिलती रहे। इस महीने फलों का विकास तेजी से होता है, ऐसे में नियमित रूप से बाग की सिंचाई 15 दिनों के अंतराल पर जरूर करें। तो ये थी आम पर हमारी रिपोर्ट, और एक बार फिर से हम कहेंगे कि आप हमें ज़रूर अपने सवाल बताएं। विशेषज्ञ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बारी बारी उनसे हम बात करेंगे। और आज का जो पहला विषय है थ्रेशर का रखरखाव, तो चलिए शुरुआत एक बार फिर से हम बातचीत की करते हैं। डॉक्टर काले, थ्रेशर की उपयोगिता के बारे में आपने बताया कि कैसे ये एक क्रांति की तरह हमारे कृषि में एंटर हुआ, अब इतने वर्ष होने के बाद भी अभी भी थ्रेशर उसी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसके स्वरूप में भी कुछ बदलाव आए हैं? ये सही बात है। एक्चुअली आप देखेंगे कि अभी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है थ्रेशिंग में भी, और आप देखेंगे कि बहुत ही हाई कैपेसिटी की जो है थ्रेशर्स आज आ गए हैं, जो कि 5 टन से भी ज़्यादा पर आवर कैपेसिटी के थ्रेशर्स अभी उपलब्ध है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि अभी पहले क्या होता था कि जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं हमारे, अगर पूरी कृषि मशीनरी को अगर हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हमारे थ्रेशर्स में होते, और वो जो थ्रेशर होते बहुत फैटाल होते,
मतलब इसमें संभावना ये होती है कि अपने जो अंग है वो चले जाते हैं, लोग इनकी डेथ होती है तो बहुत ही सीरियस मामला बन जाता है। तो इसमें बहुत ही सावधानी बरतने की जो ज़रूरत है। तो अभी जो नए थ्रेशर्स है हमारे, जिसमें शूट होता है, मतलब जिससे हम लोग जो है जो जो भी क्रॉप होता है हमारी उसमें हम डालते हैं, तो उसमें कई बार क्या होता है कि किसान जो है हाथ से ढकेल देते हैं। तो आजकल बहुत ही सेफ्टी फीचर्स आ गए कि आपका जैसे भी हाथ पहुंच जाता है या कुछ ऐसा क्लॉगिंग होता है तो इमिजिएटली वो ट्रिप ऑफ हो जाता है, मतलब वो इंजन बंद हो जाता है। और साथ साथ में अभी आजकल क्या हो गया, कन्वेयर बेल्ट आ गए, मतलब आपको ज़रूर नहीं कि वो थ्रेशर वो जो क्रॉप है वो शूट में डालना है, आपको अभी नीचे से ही डाल दे और नीचे से ही वो अगर लेके वो पहुंच जाता है और वहाँ से भी थ्रेशिंग करके वो पूरा आपका अनाज निकलता है। तो बहुत ही सेफ्टी के द्वारा, सेफ्टी एस्पेक्ट जो है आजकल बहुत ध्यान में देखा जा रहा है, लेकिन फिर भी किसान जो है बहुत ही उसमें लापरवाही बरतते हैं जो कि बहुत ही अच्छी नहीं है। जैसे कि देखेंगे कि रात के अंधेरे में वगैरह जहाँ पे प्रकाश ज़्यादा नहीं है जी उस जगह पे भी वो थ्रेशिंग जी करते हैं, जी रात भर थ्रेशिंग करते हैं, या बहुत से ऐसे जो है कि जो मजदूर होते हैं जी उनको। बिल्कुल। और सर ये भी होता है ना कि कई बार बिजली की सप्लाई कब है उस हिसाब से, रात को सप्लाई है तो लोग सोचते हैं कि रात के वक्त ही हम कर लें। नहीं और करे उसमें कोई हाँ ये नहीं, एक लेकिन कॉल है सर। हाँ प्रकाश जो है उसमें मतलब बिजली की पूरी व्यवस्था हो, लाइट रहे, प्रकाश हो। निमुद्दीन जी हमारे साथ झांसी से एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात करते हैं। निमुद्दीन जी स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए क्या प्रश्न है। नमस्कार। मैं हेलो नमस्कार निमुद्दीन जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ नमस्कार मैं। हेलो 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 मैम जी, जी सर सुन रहे हैं मुझे आप? हाँ नमस्कार मैम। नमस्कार, बताइए क्या प्रश्न है जी। मेरा निवेदन ये है, दशहरी आम खूब मीठा था, 2-3 साल तक खूब मीठा आम खाया हमने जी जी, और उसके बाद ये खट्टा होने लगा और इसकी आकृति भी छोटी हो गई, क्या हम वही गुणवत्ता प्राप्त कर सकते हैं क्या? धन्यवाद। अच्छा ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर कुंदन किशोर जी हैं। सर हमारे दर्शक हैं झांसी से, कह रहे 3 साल तो दशहरी आम बहुत बढ़िया मिला इन्हें, अच्छा मीठा मिला, आकार भी बड़ा था, लेकिन उसके बाद से ये समस्या आ रही, क्या करना चाहिए इन्हें, क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? वजह थोड़ा ये बताएंगे कि आपके जो पौधे हैं कितने साल के हैं? नेमुद्दीन जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? कट गया सर, फोन कट गया। 3 साल तो उन्होंने बताया, मतलब 3 साल से तो फल मिल रहे हैं इनको। अच्छा, इनको 3 साल से फल मिल रहा है, कहीं न कहीं अगर फल की गुणवत्ता में कहीं कमी आई है तो कहीं न कहीं थोड़ा सा जो उसका न्यूट्रिएंट है जैसे पोटास का उपयोग बहुत महत्वपूर्ण है, अगर समय पर से हम पोटास का प्रयोग करें तो पोटास से क्वालिटी बढ़ती है और इसकी मिठास भी थोड़ी ज़्यादा होती है। अगर सॉइल का पीएच, सॉइल अगर बहुत आम्लीय हो जाए तब भी थोड़ा क्वालिटी को वो प्रभावित करता है, तो कहीं न कहीं उसका सॉइल का हम मैनेजमेंट करें ताकि उसके पीएच को बढ़ाया जाए और पोटाश का सही उपयोग करें जिससे कि फल की गुणवत्ता जी को सर आप जो कह रहे हैं कि पोटाश का इन्हें उपयोग करना चाहिए तो किस स्टेज पर करना चाहिए, क्या अभी करें या फिर अगली फसल के लिए करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? हाँ, जैसे हम लोग ये रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें किसान भाई कि 2 बार हम जो है खाद का प्रयोग करें। एक प्रयोग तब होता है जब हम जैसे अगस्त और सितंबर के माह में 1 बार हम खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, और वो पौधे के उम्र के अनुसार होता है और मिट्टी में जितनी उर्वरता होती है उसके आधार पर होता है। और क्या क्या करते हैं, अगर हमारा मान लें कि 10 साल का पौधा है तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि उसमें 10 साल के पौधे में कम से कम 1 kg नाइट्रोजन, 500 ग्राम जो है फास्फोरस और लगभग 1 kg पोटास का हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है सर। इसका आधा हिस्सा हम जो है अगस्त सितंबर में दे देते हैं और आधा हिस्सा लगभग नवंबर में हम देते हैं। इससे क्या होता है तो ये अभी मतलब इस बार तो ये अभी नहीं कर सकते, अगली बार अभी ही तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि थोड़ा, और मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा कटाई छटाई बहुत महत्वपूर्ण ये है कि अगर पौधे में थोड़ा कटाई छटाई तोड़ने के बाद अगर हम कटाई छटाई करते हैं तो पौधे की जो फ्रूट की गुणवत्ता है फल की वो बढ़ जाती है, रोशनी मिलने से अधिक गुणवत्ता आ जाती है। ठीक है सर, ठीक है बिल्कुल। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई यहाँ पर, और आगे हम बागों के रखरखाव और प्रबंधन से जुड़ी कुछ और बातें आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें लो किसान। अरे सुन तो,
मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है? हाँ, क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोग किसान। आज हम बात कर रहे हैं थ्रेशर को लेकर, कैसे आप सावधानी बरतें, उसका रखरखाव किस प्रकार से करें ताकि आपको उसमें किसी तरह की समस्या ना हो। और साथ ही हम बात कर रहे हैं आम के बागों का कैसे करें उचित प्रबंधन। और एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, नंद किशोर जी हैं हमारे साथ बाराबंकी उत्तर प्रदेश से। नंद किशोर जी स्वागत है आपका हेलो किसान में। बताइए किस विषय से जुड़ा सवाल है आपका? नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा बाराबंकी से। मैं जानना ये चाहता जो गेहूँ की हम लोग कटाई करते हैं तो ऐसी दशा में हमारी जो गेहूँ की लाख होती है उसमें कितना सूखापन होना चाहिए कि नमी होनी चाहिए, और दूसरी चीज कटाई के समय हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, बच्चों को कितना दूर रखना चाहिए, दिन या रात में क्या अंतर हमें रखना चाहिए। और हमें आम पे ये जानना है कि आम तो बहुतेरे आते हैं, वो झड़ते ज्यादा रुकते बहुत कम है, तो हमें ये फटने आम से कोई भी पद्दी जो आम हो जाता है काला पड़ जाता है, इससे बचाने के लिए हमें कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? आम काला पड़ जाता है, आम से जुड़ा आपका ये सवाल है, और भी कुछ है? ठीक है, पहले हम थ्रेशर से जुड़े आपके सवाल ले लेते हैं। थ्रेशर से जुड़े सारे सवाल इन्होंने पूछ ले। एक तो दिन और रात का क्या फर्क है, अगर आप थ्रेशर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो दिन में क्या क्या सावधानी हो, रात में क्या क्या हो, बच्चों को लेकर, इसके अलावा और क्या पूछा सर, बहुत सारे सवाल पूछे। किस तरह से कपड़े पहनने चाहिए, कपड़े कैसे होने चाहिए? बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली यही सावधानी हम सबको बरतनी चाहिए। एक्चुअली जब हम थ्रेशिंग करते हैं जो हमारे मजदूर भाई होते हैं तो वो देखे कि वो गमछा वगैरह ना पहने हो, या मान लीजिए जो महिलाएं हमारी साड़ी पहनी है तो उसको प्रॉपरली जो है बंधा हुआ ही होनी चाहिए, ताकि जो भी है, क्योंकि इसमें थ्रेशर में बहुत से मूविंग पार्ट होते हैं, चलित ये होते हैं पार्ट्स, तो वो कहीं पर भी कैच हो जाता है तो ये बहुत ही पावरफुल होता है, मतलब तो वो बहुत ही ज़ोर से खींचता है और इसमें आदमी की बहुत वो चोट में भी चले जाते हैं, हाथ चला जाता है, गर्दन चली जाती है, तो बहुत ही सीवियर एक्सीडेंट होते हैं। और ख़ास तौर पर हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत ही सावधानी से आप पीछे रखिए, ताकि उनको भी ऐसा है कि आने ना दिया जाए, तो आने ना दिया जाए। और ख़ास तौर पे मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण आपको जानकारी देना चाहूँगा कि जितने भी हमारे मजदूर भाई वहाँ पे काम करते हैं, अगर ख़ास तौर पे अगर आपसे ही अगर साल भर में आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके साथ थ्रेशर है आपके पास, तो मैं कहूँगा कि आप जो है प्रधानमंत्री जीवन बीमा एक योजना है हमारी जीवन ज्योति योजना, जो कि बहुत ही नॉमिनल रेट पर है, तो ये ख़ास तौर पर जो है हमारे मजदूर भाइयों के लिए बना हुआ है, तो आप उसका इंश्योरेंस करिए, बहुत ही सस्ते में है। तो आप अगर इसमें कहीं दुर्घटना होती है किसी भी तरह की, थ्रेशर की दुर्घटना नहीं, अगर मान लीजिए उसको अगर अगर सांप से कोई डंग मतलब कई होती है या और कोई दुर्घटना होती है जो एग्रीकल्चर में, उससे भी आप उसको निजात मतलब उसमें आपको एक तरह का कॉम्पेंसेशन कवरेज मिल सकता है। तो मैं कहूँगा कि आपके जितने भी ऑपरेटर्स है उसकी आप बिल्कुल कवरेज करें इसको इंश्योरेंस में। और ख़ासतौर पर और एक देखा जाएगा कि आप अगर ट्रैक्टर से, क्योंकि सबसे सारे जितने भी थ्रेशर से हमारे ट्रैक्टर के पीटीओ शाफ्ट से चलते, तो आप देखिए कि उसके अंदर एक शेयर बोल्ट होता है, तो शेयर बोल्ट इसका बहुत ही ये सेफ्टी के लिए हमारे अंदर इसमें होता है। कई लोग क्या होते हैं किसान उसका देखते नहीं उसको और उसको निकाल देते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो शेयर बोल्ट देखे कि प्रॉपरली लगा हुआ है कि नहीं, क्योंकि इससे क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं अगर ऐसा लोड आता है थ्रेशर के ऊपर तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक होता है और आपका जो ट्रैक्टर और जो थ्रेशर है के बीच में का कनेक्शन ऑटोमेटिकली तोड़ता है, तो टूट जाता है, तो उससे क्या होता है कि थ्रेशर ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो इस तरह से आपको सावधानी बरतनी चाहिए, और जो हमारा पीटीओ शाफ्ट है बिल्कुल लेवल में होना चाहिए, और रात में अगर आप काम करते हैं
तो आपको देखे कि ज़्यादा पूर्ण तरह से प्रकाशित होना चाहिए इस एरिया को, और वहाँ पे आप जब भी आप सावधानी बरते तो उसमें देखे कि किसी भी तरह की जो हाथ या किस तरह से उसमें शूट में नहीं जाना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी देखे कि हमारे जो मजदूर भाई है या कोई भी है वो ये जो है मतलब इसका सेवन जो जो भी नशीले पदार्थ है उसका भी सेवन ना हो। साथ साथ में ये भी देखे कि बाकी जो ज्वलनशील पदार्थ है वहाँ पे वो नहीं होना चाहिए, ताकि आग वाग भी लगने की संभावना हो सकती है। तो इस तरह से दुर्घटनाएं आपको बचना चाहिए, मतलब ताकि सावधानी बरतनी चाहिए। थ्रेशर के मामले में बहुत ही, क्योंकि आए दिन आपको देखेंगे कि न्यूज़पेपर में बहुत सी आती है। और सर एक मैं इस पे आगे आपसे और कुछ बातें जानना चाहूँगी सावधानियों से जुड़ी हुई। उससे पहले जो आम से जुड़ा हुआ सवाल था नंद स्वरूप मिश्रा जी का, वो ले लेते हैं। डॉक्टर कुंदन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, मैं सुन रहा हूं। इनका दूसरा सवाल था आम से जुड़ा हुआ कि आम में जो काले दाग पड़ जाते हैं उसके पीछे वजह क्या होती है, वो ना हो इसके लिए क्या करें? हाँ, आम में जैसे इनका प्रश्न था, एक इनका ये भी था कि इनके आम गिर जाते हैं और काले धब्बे पड़ जाते हैं। हाँ, गिरने से रोकने के लिए मैं यही कहूंगा कि एक तो जैसा मैंने सर सुन पा रहे हैं आप मुझे, पहले भी कहा है कि आम तोड़ने के बाद कोशिश जरूर करें कि थोड़ी सी कटाई छटाई बहुत शुरू हो, उस समय किसी भी तरह का जो सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड होते हैं, चाहे वो इमिडिया का प्रयोग हो, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। उससे हॉपर का प्रबंधन होना बहुत जरूरी है। उसके बाद जब आम उसमें लग जाते हैं जब आम, तो कोई आप सिस्टेमिक जो है फंजीसाइड का प्रयोग, जैसे कि थायोफेनेट मिथाइल है, इस तरह का प्रयोग हम कर सकते हैं। और साथ में पानी का प्रबंधन भी फल लगने के बाद हमको शुरू कर देना चाहिए। अगर हम इस तरह से प्रबंधन करेंगे तो निश्चित रूप से आम जो है अधिक लगेंगे और वो नहीं भी गिरेंगे। ठीक है सर, तो एक हमारे पास सवाल आया है सर, ये हालांकि ये सवाल आज के विषय से जुड़ा नहीं है, तो नैनो यूरिया के बारे में जानना चाहते हैं, तो सर ये ले पाएंगे सर? हाँ, नैनो यूरिया मैं सवाल बता देती हूँ आपको। ये रामकरण जी हैं और ये जानना चाहते हैं, नहीं आम की फसल से जुड़ा, आम की फसल में नैनो यूरिया या नैनो डीएपी जैसे उर्वरकों का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए और क्या इसका छिड़काव करना सही होगा? डॉक्टर कुंदन। हाँ, इसका उपयोग जो हम कर सकते हैं, नैनो यूरिया का प्रयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं। एक चीज केवल ध्यान रखें कि जब नए पत्ते निकल जाए जी, क्योंकि पत्ते में तब ज्यादा अधिक जो है ये हमारे जो जितने यूरिया हैं या डीएपी हैं ये सभी तब एब्जॉर्ब होते हैं जब पत्ते नए होते हैं। जब पुराने पत्ते में स्प्रे नहीं करें, नए पत्ते में मुख्य रूप से आप स्प्रे करें, जैसे कि अगस्त में नए पत्ते निकलते हैं, सितंबर में अगस्त नए पत्ते निकलते हैं, अक्टूबर में नए पत्ते निकलते हैं, इस सभी अवस्थाओं में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा माध्यम है कि हम पौधे में जो न्यूट्रिएंट का मैनेजमेंट है उसको हम अच्छे से कर पाए। जी डॉक्टर काले, अभी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक्चुअली डॉक्टर साहब के साथ और थोड़ा जोड़ना चाहूँगा कि ये जो नैनो एरिया का जो स्प्रे है, आप देखेंगे कि अभी हमारे पास ड्रोन टेक्नोलॉजी आ गई है। आप देखेंगे कि हमारे आम का पेड़ बहुत ऊंचाई में होता है और उसको छिड़कने के लिए बहुत मतलब कठिनाई होती है, तो अभी आप देखेंगे कि जो हमारे ड्रोन टेक्नोलॉजी है इससे आप नैनो एरिया को भी स्प्रे कर सकते हैं। और आप विशेष तौर पे इसमें ऐसा है कि वो जैसे कि एक पेड़ के बीच में दो पेड़ के बीच में दूरियां होती है, तो इसमें क्या होता है कि ये अगर आप सारे पेड़ों पे एक साथ लगाते रहेंगे तो क्या होता है कि उस पे आपका जो 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 खाद है वो भी वेस्ट होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपके एक पेड़ के ऊपर लगा दिया, उसके बाद दूसरे पेड़ पर जब जाता है तो उसके बीच में वाले एरिया में वो स्प्रेइंग नहीं करता है, तो इस तरह से आपका खाद का भी बचत होता है। तो ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत सरकार ने एक नई तरह से इसकी पहल हुई है, तो अभी हम लोग महिलाओं को भी ड्रोन देने जा रहे हैं सशक्तिकरण के लिए, तो साथ साथ में हम लोग ड्रोन दीदी योजना जो हम लोग किया है, भारत सरकार की पहल है, तो 15,000 ड्रोन हम लोग महिलाओं को दे रहे हैं। तो साथ साथ में अगर इंडिविजुअल कोई पुरुष है या लेना चाहते हैं उसके लिए भी भारत सरकार की प्रावधान है जिसमें 40-50% ले लेते हैं। रमा शंकर तिवारी जी है गोंडा उत्तर प्रदेश से हमारे कॉलर। रमा शंकर जी, स्वागत है आपका हेलो किसान में, बताइए प्रश्न बताएं अपना। रमा शंकर जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। हाँ बताएं, पहले टेलीविजन को म्यूट कर दीजिए, हम आपको सुन नहीं पाएंगे ठीक से अगर टीवी ऐसे ही चलता रहा। हाँ सर, मेरा प्रश्न है, रमा शंकर जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुँच पा रही है।
जी जी जी, जी आपकी आवाज हमें मिल रही है सर। जी 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 आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ ठीक है सर, जैसे हमारे यहाँ आम का पेड़ जो लगा था सर, उसमें जो है बौर आया था, और अब की जब से फुहार तब जो है पानी पड़ा उस पर, तब से वो बौर जो है काला पड़ने पड़ते जा रहा है सर, इसके लिए क्या करें? ठीक है डॉक्टर कुंदन, ये भी समस्या हम अक्सर देखते हैं कि बौर काला पड़ जाता है, और जैसे बताया कि अभी जो बारिश हुई थी उसका प्रभाव हुआ, तो क्या करना चाहिए किसानों को? क्या इससे वाकई में इतना ज्यादा नुकसान हो सकता है? इससे नुकसान हो सकता है, जैसे इसमें संभावना ये है कि कुछ बीमारियां इसमें लग सकती, हो सकता है कि पॉडरी मिल्ड्यू का प्रकोप हो या एंथ्रेक्नोज का प्रकोप हो, ये सभी इसमें जो है हो सकते हैं। तो ये जिस तरह से कह रहे हैं इसके अनुसार, जैसे हम बता रहे थे कि एक थायोफेनेट मिथाइल है, अच्छा दवा है ये इस दवा का प्रयोग हम कर सकते हैं, और पॉडरी मिल्ड्यू के लिए हेक्साकोनाजोल का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की दवाओं का प्रयोग करने से, जब इस तरह के ह्यूमिडिटी ज्यादा होने से संभावना बीमारी की अधिक हो जाती है, तो मैं उनसे यही कहूंगा कि कम से कम आप केवीके से संपर्क कर सकते हैं, और केवीके को सैंपल जरूर दिखाएं, सैंपल दिखाएंगे तो वो सही दवा का आप बताएंगे, और उससे क्या होगा कि आपका खर्च भी बचेगा और बेहतर प्रबंधन भी होगा। जी बिल्कुल सर, अब आ जाते हैं थ्रेशर के ऊपर। और हेलो हेलो हेलो, शायद हमारा एक कॉलर थे, फ़ोन उनका कट गया है। अगर आप हमें सुन रहे हैं टेलीविज़न से, तो आप हमें फिर से ट्राई करें, ज़रूर हम का आपका सवाल लेंगे। फिलहाल इसी के साथ ही हमें यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन आप अपने प्रश्नों के साथ तैयार रहें। आज हम बात कर रहे हैं थ्रेशर के बारे में, कैसे उसका रखरखाव करें, सावधानियाँ कौन कौन सी बरतें, और साथ ही आम के बागों का कैसे करें प्रबंधन, बात करेंगे इस पर छोटे से ब्रेक के बाद। बात अच्छी सेहत की हो, किसी तरीके की लापरवाही नहीं करो, किसी तरीके का समझौता ना करो, ना बरतें लापरवाही, लक्षणों को पहचाने और लें डॉक्टर की सलाह। चाहे बीमारी दिल की हो, दांतों की हो या दिमाग की हो, खुद से इलाज ना करें, खुद से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के पास जाएं, अपनी जांच कराएं और अपना पूरा इलाज करवाएं और अपना ख्याल रखें। कार्यक्रम जो देगा सलाह भी मार्गदर्शन भी। मोबाइल उठाएं, नंबर मिलाएं 1800-11-3060 या 1800-11-3061। आपके अपने फोन इन कार्यक्रम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। और एक बार फिर आपसे आपका स्वागत है हेलो किसान में। आज हम बात कर रहे हैं आम के बागों की देखभाल की, और साथ ही कैसे आप थ्रेशर का रखरखाव करें और कौन कौन सी सावधानियां बरतें जब भी आप इसका इस्तेमाल करें। और एक कॉलर है, विपिन है, सागर से उन्होंने हमें कॉल किया, मध्य प्रदेश के सागर से हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आइए बात करते हैं विपिन जी से। जी विपिन जी बताइए क्या प्रश्न है। जी नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मैं ये जानना चाह रहा था कि मार्केट में लगभग बहुत सारे प्रकार के थ्रेशर उपलब्ध रहते हैं, और किसान भाइयों के मन में कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी कंपनी का, या फिर कंपनी तो नहीं नाम ले सकते लेकिन कौन सा थ्रेशर खरीदना चाहिए, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के रहते हैं। तो कौन कौन से फीचर वाले थ्रेशर है ना, यही आप जानना चाहते हैं। मतलब मध्य प्रदेश के लिहाज से कि यहाँ पे गेहूँ चना मसूर मटर की फसलें होती थी, इस तरीके से कौन सा थ्रेशर खरीदना चाहिए, ये जानना था सर। हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर आप मध्य प्रदेश से आप बिलोंग करते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप अगर आपके यहाँ अगर सीरियल क्रॉप्स के ज़्यादातर है, चना है आपका ले रहे हैं,
तो मैं चाहूँगा कि आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर अगर आप लेते हैं तो उसमें एक ही थ्रेशर में आपका सारा काम हो सकता है, क्योंकि अगर देखेंगे तो पैडी के लिए आपको जैसे हमारे धान के लिए अलग से थ्रेशर चाहिए, मेज़ के लिए अलग से थ्रेशर चाहिए, ग्राउंडनट के लिए अलग से थ्रेशर चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने जो क्रॉप के नाम गिनाए हैं उसके लिए आप मल्टी क्रॉप थ्रेशर आप देखें और आप देखेंगे कि इस मल्टी क्रॉप थ्रेशर्स में भी आजकल जो है बहुत ही हाई कैपेसिटी की आ रही है, मतलब एक 5 टन कैपेसिटी के तक पर आवर एक घंटे में 5 टन आपका जो है थ्रेशिंग कर सकता है, तो और बहुत ही विकसित है, बहुत मॉडर्न जो है आजकल थ्रेशर्स आ रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारा जो मध्य प्रदेश का बेल्ट है, विदिशा हो गया मान लीजिए, ये सारा बेल्ट जो है वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थ्रेशर्स बनते हैं, पंजाब में भी हमारे बहुत सारे थ्रेशर बनते हैं आजकल, वो भी मैंने जो बताया कि आपका आजकल जो है एक तरह का कन्वेयर बेल्ट आ गया है, तो आप अगर आपको अगर आपने अगर क्रॉप जो है आपने इकट्ठा नहीं की हुई और बंडल बने हुए हैं अलग अलग जगह पे, तो आपको एक जगह लाने की भी ज़रूरत नहीं, आपका जो थ्रेशर और आपका ट्रैक्टर जो है कनेक्टेड रहेगा और उसके साथ कन्वेयर बेल्ट, जो पीछे का जो मजदूर भाई है वो हमारे डालते रहेंगे उसमें पीछे कन्वेयर बेल्ट में, और आपकी थ्रेशिंग चलती रहेंगी और उसमें बैगिंग भी होता रहेगा, तो बहुत से आपका समय भी बचत हो सकता है, उसके साथ साथ में आपका खर्चा भी कम हो सकता है, क्योंकि आजकल मजदूर मिलना बहुत कठिन है, तो इसलिए ये सारी जो है आजकल नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो आप जो है इसको सर्च कर सकते हैं, हमारे जो पंजाब का जो है तलवंडी राणा जो है बहुत अच्छा बेल्ट है, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे थ्रेशर्स बनते हैं और अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी के थ्रेशर्स आ गए, हमारे साउथ में भी बहुत अच्छे अच्छे थ्रेशर बनते हैं, तो वहाँ पर भी आप ट्राई कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। जी, अच्छा सर, एक चीज़ यहाँ पर एक व्यवहारिक समस्या जो है, जो आपने बताया बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन उसके बाद ही कॉस्टिंग भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, यानी कौन कितना अफोर्ड कर सकता है, तो उसको लेकर किस तरह की मदद है, मैं उस पर आपसे बात करूँगी, लेकिन उससे पहले कॉलर है आई, उनका हम सवाल ले लेते हैं। हेलो सर जी, नमस्कार, अपना नाम बताइए। नाम राम सिंह जी। जी बताएं, सवाल क्या है? मैं पूछना चाहता हूँ सर, मेरे एरिया के अनुसार कौन से पौधे का मैं चयन करूँ आम का? राम सिंह जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराए। सर, मैं मेरे एरिया के अनुसार कौन से पौधे का मैं चयन करूँ आम के? आम की कौन सी वैरायटी का चयन करें, ये जानना चाहते हैं? हाँ जी, आम की वैरायटी। अच्छा, कौन से जिले से बात कर रहे हैं आप? राजस्थान के? जिला हनुमानगढ़ जी। जिला हनुमानगढ़ से? ठीक है। डॉक्टर कुंदर, हनुमानगढ़ से हमारे दर्शक हैं राम सिंह जी, जाना चाहते हैं उनके क्षेत्र के लिए कौन सी अच्छी किस्में हैं आम की? अब राजस्थान में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दो तरह की चीजें हैं, आप जब भी आम के जो किस्में हैं उसका चयन करें जी, तो जो एक अर्ली वेराइटी होती है, एक मीड वेराइटी होती है, एक लेट वेराइटी होती है, तो लेट वैरायटी में जो अच्छी किस्में हैं, जो कि रेगुलर आपको बेयरिंग देगी, उसमें आम्रपाली बहुत अच्छी वैरायटी, बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। उसके बाद आपका मिड रीजन के लिए मध्य में जो है आपका दशहरी बहुत अच्छा वैरायटी है, ये सभी वैरायटी बड़े अच्छे होते हैं। एक हमारे यहाँ का CSH का भी वैरायटी अरुणिका है, वो भी वैरायटी आम की बहुत ही अच्छी किस्म है, तो ये सभी वैरायटी को आप ले सकते हैं। ये सभी बहुत सारे वैरायटी ऐसे हैं कि ये 3 से 4 साल में ही आपको फलन देना शुरू कर देगा और इसका मार्केट का डिमांड भी अच्छा खासा है, और एक आप जो है आपका जो आम का जो बगान होगा वो काफ़ी ही जो आप आर्थिक दृष्टिकोण से वो काफ़ी उपयोगी होगा। दूसरा चीज़ मैं और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब भी आप आम की खेती करें तो निश्चित रूप से ऐसा ध्यान में रखें कि हम 5 मीटर या 6 मीटर की दूरी कम से कम मेंटेन करें। ये दूरी इसलिए अच्छी होती है, इसको मेंटेन करना इस तरह के बागानों को आसान होता है और फल को तोड़ना भी आसान होता है। 3 साल 4 साल 5 साल में फलना शुरू हो जाता है और आप फल को तोड़ सकते हैं, और आजकल क्या हो गया है कि एक्सपोर्ट के लिए भी आम काफ़ी किसान काफ़ी आगे आ रहे हैं, तो जब आप प्लांट को छोटे रखेंगे, हाई डेंसिटी में लगाएंगे, तो आप अच्छे पैदावार करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये सभी बड़ी अच्छी वैरायटी है जिसका एक्सपोर्ट का भी पोटेंशियल बहुत अच्छा है। जी, एक्सपोर्ट का भी अच्छा पोटेंशियल है जैसा कि आप बता रहे हैं।
और चलिए आज का एक और जो विषय थ्रेशर की उस पर हम बात कर लेते हैं। अगर आपके कोई भी सवाल है दर्शकों से कहेंगे ज़रूर हमें बताएं अपने प्रश्नों के बारे में। सर थ्रेशर के रखरखाव के बारे में भी आपने बताया कि अगर जब आप इस्तेमाल करने की शुरुआत करें तो क्या क्या करें। सावधानियों में एक चीज़ और हमने देखा है कि सर कई बार लंबे समय तक लोग काम करते रहते हैं, नींद भी पूरी नहीं होती है और यहाँ तक कि कुछ ऐसे पदार्थों का भी सेवन कर लेते हैं जिससे उनको लगता है कि उन्हें और ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी, तो ये कितना ख़तरनाक हो सकता है? ये बहुत ही खतरनाक है। एक्चुअली आप देखेंगे कि सारे जितने एक्सीडेंट्स होते हैं ये इसी कारण हो रहे हैं कि सावधानी बरती नहीं जाती है। जैसे कि कपड़े की बात हुई तो कपड़े अगर वो ढीले ढाले हैं या गमछे पहने हुए तो गमछा कभी अंदर जाता है, कभी हाथ चला जाता है अंदर। और ज़्यादातर अगर आपकी पूरी नींद नहीं हुई, रात भर काम कर रहे हैं, क्योंकि ख़ासतौर पर क्या होता है कि जैसे कि हमारे मजदूर भाई भी ज़्यादा आमदनी इसके लिए मतलब ज़्यादा अगर उनको कम समय में ज़्यादा मिल जाए, पैसे मिल जाए, तो इसके कारण जो है वो बहुत देर तक काम करते हैं और उसमें कारण क्या है कि उनकी नींद भी पूरी नहीं होती है और उसमें बहुत सारे जो है उनके ऊपर स्ट्रेस भी रहता है, तो उसके कारण बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। तो इसलिए ये रात के समय में बहुत सारा थ्रेशिंग का काम बहुत सारा होता है, तो इसलिए इसको सबको अवॉइड करते हुए आपको बहुत सारी सावधानी बरतनी चाहिए। और ख़ासतौर में दूसरा एक विषय आपको सामने एक और रखना चाहूँगा कि आज अगर देखेंगे हमारे जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है उनका आज तक भी उनके पास जो है थ्रेशर की जो है पहुँच नहीं हुई पाई है। छोटे छोटे किसान होते हैं तो आज भी देखेंगे कि सड़कों के ऊपर अपना जो है क्रॉप डालते हैं, फिर गाड़ियाँ आती है उसी से जो भी थ्रेशिंग होती है उसके बाद विनोइंग करके करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि छोटे छोटे आजकल जो है स्मॉल कैपेसिटी के मतलब आप एक क्विंटल पर आवर या उससे भी आधे क्विंटल पर आवर के भी छोटे छोटे थ्रेशर आ रहे जो कि पैडल से ऑपरेटेड है, मान लीजिए कि सोलर से ऑपरेटेड है और हैंड ऑपरेटेड है, तो ऐसे छोटे छोटे थ्रेशर्स भी है जो कि आप अफोर्डेबल भी छोटे किसानों के लिए, लेकिन उनकी रीच है उनके पास आज तक अभी तक पहुँचा नहीं इस टेक्नोलॉजी को। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी राज्य सरकार अगर उसको थोड़ा सा ध्यान दे इस विषय पे तो उनकी समस्याएं बहुत कम हो सकती है, क्योंकि इसके लिए कोई ज़्यादा ऐसा कोई ज़्यादा मतलब इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है उन किसानों भाई को। सर वही मेरा अफोर्डेबल होता है जी। एक अगला सवाल जो है मेरा उसी से जुड़ा हुआ, लेकिन उससे पहले एक कॉलर है उनसे हम बात करते हैं। ईश्वर जी हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो 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 जी मैडम जी नमस्कार। ईश्वर जी बताएं क्या सवाल है, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी मैं गरियाबंद जिला छत्तीसगढ़ से बात कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा सवाल बताइए। सवाल है कि जो आम का जो पौधा है ना उसमें लाल पीपी लग रहा है मैडम, और क्या लग रहा है लाल जी? क्या समस्या आ रही है आम के पौधे में? जी जी मैडम लाल समस्या क्या आ रही है आम के पौधे में? पौधे में वो चीटी जो है ना बड़ा बड़ा वो जाल लगा रहा, तो उस पर रोकथाम के उपाय बताइए। डॉक्टर कुंदन ये आप समझ पा रहे हैं सर इनका सवाल या मैं फिर से मैं समझ पा रहा हूँ। ये कह रहे हैं कि इसके आम के पौधे में जो है चीटी लग जाता है, लाल चीटी जो है लाल चीटी लग जाता है, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि जो लाल चीटी लग जा रहा है या हो सकता है ये बहुत सारे पत्ते को मोड़ लेते हैं, तो ये इस तरह के जो उस तरह के बागों में ये चीजें देखी जाती हैं जिस बागों में हम बहुत अच्छा मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, जिस बागों में ना तो हम कीट प्रबंधन करते हैं ना जहां पर कोई और जैसे मैंने कहा कटाई छटाई का भी ये करते हैं। मैं इनसे यही कहूंगा जो आपके बाग हैं आम के तोड़ने के बाद कटाई छटाई का प्रयोग करें, उसके बाद जहां आपको लाल चींटी दिखाई पड़ता है आप उसको उसके पत्ते को हटाने का प्रयास करें, और क्लोरोपाइरीफॉस 20% जो है उसका 2 से 2.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप स्प्रे करते हैं, तो आपके इस तरह के जो चींटी हैं वो भी जो है प्रबंधन हो जाएगा। और ये भी देखा गया है कि जैसे मीली बग है, मीली बग अगर ज़्यादा लग जाएगा उससे भी चींटियाँ ज़्यादा आती हैं, तो आप कोशिश ये करें कि बड़ा अच्छा एक आसान सा तरीका है कि पॉलिथीन जो है जो पेड़ के पास में नीचे जमीन के से थोड़ा ऊपर पॉलिथीन जो है लगभग 15-20 सेंटीमीटर चौड़ा पॉलिथीन उसमें लगा देंगे तो मीली बग भी जो है आपके पेड़ों पर उतना क्षति नहीं कर पाएगा, और चींटी के साथ साथ आप इस तरह के भी जो कीड़े लगते हैं इसका प्रबंधन कर पाएंगे जी।
ठीक है सर, अब थ्रेशर पर सर बात कर रहे हैं कि क्या सरकारों की तरफ से भी किसी तरह की सब्सिडी या किसी तरह की मदद थ्रेशर को लेकर की जा रही है, और एफपीओ से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका लाभ ले सकते हैं, क्या कस्टम हायरिंग में भी थ्रेशर का लाभ लिया जा सकता है? हाँ, भारत सरकार द्वारा इसके ऊपर जो भी कृषि यंत्र है इनके ऊपर हम लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं। जो भारत सरकार ने 14-15 से इसको जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाइजेशन नाम की जो स्कीम है जो भारत सरकार ने लॉन्च की है, और इसमें थ्रेशर्स के लिए काफ़ी प्रावधान है, चाहे वो छोटा मतलब छोटे कैपेसिटी का थ्रेशर हो या बड़ा थ्रेशर हो, इन सब के लिए जो 40-50% हम सब्सिडी देते हैं। ख़ासतौर पे 40% जो है जनरल कैटेगरी के लिए देते हैं, और 50% मतलब 10% जो है हम लोग महिलाओं के लिए देते हैं, SC/ST के लिए देते हैं, या नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के फार्मर्स हैं उनके लिए हम लोग इसको देते हैं। तो ख़ासतौर पर जैसे कस्टम हायरिंग सेंटर की बात कहिए तो हमारे जो FPOs है, मान लीजिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ये सारे जो है कस्टम हायरिंग सेंटर को ले सकते, जिसमें कि हमारा जो है हम लोग लगभग 60 लाख के प्रोजेक्ट के ऊपर हम लोग लगभग जो है 24 लाख रुपए उनको मिल सकते हैं, मतलब 40% जो है उनको सब्सिडी मिल सकती है। और साथ साथ में आप देखेंगे कि जो हमारी जो छोटे और सीमांत किसान अगर साथ में आते हैं, ग्रुप बन के आते हैं, तो लगभग हम लोग 80% तो हम उनको सब्सिडी देते हैं 10 लाख के प्रोजेक्ट पे। और ख़ासतौर पे हमारे जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो किसान भाई हैं उनके लिए 95% हम लोग सब्सिडी का इनमें प्रावधान है। जो हमारी जो फार्म मशीनरी बैंक बोलते हैं उसको, अगर समूह बनाते हैं किसान जो है 7-8 किसान साथ में आते हैं, तो उनको 95% तक मिल सकता है। तो मैं ख़ासतौर पर कहूँगा कि अगर कोई युवा है जिनको अगर इस में रुचि रखते हैं कि ये कस्टम हायरिंग सेंटर को बनाना चाहता है, तो वो युवा भी आ सकते हैं। तो लगभग इसमें हम लोग लगभग 2.5 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट तक भी हम लोग इसको सहायता प्रदान कर सकते हैं, ताकि इसमें थ्रेशर्स भी हो, ट्रैक्टर्स भी हो, ताकि बाकी जितनी वेरियस एग्रीकल्चर मशीनरी है वो भी लेके साथ लेके वो बड़ा सा एक अपना उद्यम स्थापित कर सकता है और एक अच्छा अपना आमदनी का जरिया कर सकता है। और खासतौर पे हम लोग ये कहूँगा कि आज सावधानी की बात तो हो ही रही है, तो हमारी भारत सरकार की 4 संस्थानें हैं जो विभिन्न प्रांत में स्थापित है। जैसे कि हमारी नॉर्दर्न पार्ट के लिए जो है, नॉर्दर्न हमारा उत्तर भारत है, उसमें जो हमारी हिसार स्थित एक हमारी नॉर्दर्न रीजन फार्म मशीनरी ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग इंस्टीट्यूट है जो कि, और एक हमारी बुधनी में है मध्य प्रदेश में, एक है सदर्न रीजन में हमारी अनंतपुर में, और नॉर्थ ईस्ट में आसाम में है। तो यहाँ पे किसानों को मुफ्त में उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, आने जाने का खर्चा भी मिलता है उनको। एक एक सर सवाल ले लेते हैं इसी से जुड़ा हुआ, तो मैं सोचूं जल्दी से इसे भी शामिल कर लें। हमारे दर्शक है राजू ग्वालियर मध्य प्रदेश से लिखते हैं, मैं एक साधारण किसान हूँ, मैं थ्रेशर का प्रयोग कैसे कर सकता हूँ, कृपया करके इसके जानकारी दें। तो ये सवाल है सर राजू जी, साधारण एक्चुअली इसमें तो आप अगर आपके नियर बाय अगर आपके पास अगर कस्टम हायरिंग सेंटर द्वारा आप इसको आपके इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, कहाँ से भी आप इसको मुहैया करवा के आपको किराए पे आप लेके आपका काम करवा सकते हैं, या स्वयं आप अगर ख़रीदना चाहते हैं तो उसके लिए भारत सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा हम लोग इसको जो है ये हमारी जो सब्सिडी स्कीम है इसको कार्यान्वित करते हैं। तो आप वहाँ पर जाके जो हमारा जो एग्रीकल्चर कृषि अधिकारी होते हैं उनसे संपर्क करिए, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर, वहाँ से आप उनसे जो है आप अनुमति मतलब अनुमोदन करके जो भी है आप सब्सिडी को हासिल कर सकते हैं। तो कई तरह के जो है आपको ये है मार्ग है जहाँ से आप इसको फायदे हैं तो आप कर सकते हैं। और छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कहा जा रहा है कि आप FPO से जुड़ें, यही एक मूल मकसद भी है FPO का, जहां आपको ये कहने की आवश्यकता नहीं है कि मैं छोटा या साधारण किसान हूं, किसान किसान है, हमारे देश की शान है, इस बात को आप अपने जहन में रखें। फिलहाल इसी के साथ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी,
प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनाम धन। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार, और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 डीडी किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोक किसान। आज हम बात कर रहे हैं आम के बागों के प्रबंधन की और साथ ही थ्रेशर का कैसे प्रयोग करें, कैसे सावधानी बरतें। और अब चलते हैं डॉक्टर कुंदन के पास। सर, कुछ और जानकारी आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे प्रबंधन से जुड़ी हुई? हेलो डॉक्टर कुंदन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। एक कॉलर है सर, बलवान जी है मधुबनी बिहार से। पहले उनका हम सवाल भी ले लेते हैं साथ में। बलवान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, बताएं सवाल क्या है सर आपका? आम के फसल में गदैया कीड़ा लग गया है। कौन सा कीड़ा? गदैया। गदैया गदैया कीड़ा, ठीक है। डॉक्टर कुंदन, आप समझ पा रहे हैं सर इनका सवाल? हेलो, हाँ जी, आम के फसल में गदैया कीड़ा लग गया है। डॉक्टर कुंदन, गदैया? जी हाँ। डॉक्टर कुंदन, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो, डॉक्टर कुंदन सर, आप सवाल सुन पा रहे हैं दर्शक का? हाँ, मैं ये सुन पा रहा हूँ कि इनका आम में कोई कीड़ा लग रहा है और ये अपने अपनी भाषा में जो कीड़ा। अच्छा, ये बताइए बलवान जी, क्या समस्या आती है जो आप बता रहे हैं, जो कीड़ा लगा, ये कैसा होता है, क्या समस्या आ रही है इसे? बलवान जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? चलिए, शायद हमारा संपर्क टूट गया। लेकिन कुंदन जी, इस समय किस किस तरह के कीटों का प्रकोप हो जाता है आमतौर पर? हो सकता है उन्हीं में से किसी की बात कर रहे हूँ। हाँ, ये उन्हीं में से किसी की बात कर रहे हैं, चाहे इसमें मिली बग का भी प्रकोप हो सकता है, हॉपर का भी प्रकोप हो सकता है, थ्रिप्स का भी प्रकोप हो सकता है। बहुत सारे कीड़े होते हैं आम में। तो सही तो तरीका ये है कि जब फूल निकलना शुरू हो ठीक उसी समय हमको स्प्रे करना चाहिए। लेकिन किसान भाई कभी कभी फूल जब पूरा फूल आ जाता है उस पर स्प्रे कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा सही तरीका नहीं होता है। हाँ, नुकसान हो जाता है। और उसके बाद जब फल लग जाए तो फिर कीड़े का जो है स्प्रे करना जरूरी होता है। जैसा पहले भी हम बता चुके हैं कि चाहे वो कोई इंसेक्टिसाइड हो, चाहे वो कॉन्टैक्ट हो, क्लोरोपाइरीफास जिस तरह से कॉन्टैक्ट है, या इमिडा जैसे सिस्टेमिक है, ये सभी का प्रयोग जो है वो करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी के समय में जब फल लग जाते हैं तो जो पानी का प्रबंधन है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं कहूँगा किसान भाई से कि मल्चिंग का प्रयोग जरूर करें। कोई भी घास मल्चिंग भी बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि वो आपकी मिट्टी में जो पानी होते हैं उसको बचाए रखता है और उस पर फल का जो वृद्धि है वो काफ़ी तेजी से होता है। ये चीज़ें बड़ी जरूरी हैं। और साथ में एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप आम का जो फल का ये कीड़े का प्रकोप होता है या बीमारी का प्रकोप होता है, इसका एक कहीं संस्थान में जाके एक कैलेंडर ऑफ ऑपरेशन होता है कि किस महीने में हम किस तरह का छिड़काव करें। तो निश्चित रूप से जो मधुबनी के हमारे किसान हैं, मैं कहूँगा जो आसपास में जो भी संस्थान हो, केवीके हो, उसका एक कैलेंडर होगा, वो कैलेंडर का उपयोग करें ताकि इसका आम का जो पैदावार हो वो प्रभावित नहीं हो और इनको अच्छा से अच्छा जो मुनाफा मिले। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारा एक और विषय है थ्रेशर, उस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर काले, अब ये बताएं कि थ्रेशर को लेकर क्या किसी तरह की ट्रेनिंग प्रशिक्षण की भी आवश्यकता है, ताकि इस तरह की दुर्घटनाओं को घटाया जा सके और ज़्यादा दक्षता के साथ इसका इस्तेमाल किया जा सके? बहुत अच्छा विषय आपने छेड़ा। एक्चुअली प्रशिक्षण बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रशिक्षण में आपके सारी जानकारी आपको प्राप्त होती है। तो इसीलिए खास तौर पे भारत सरकार ने जो 4 बहुत ही महत्वपूर्ण जो इंस्टीट्यूट्स बनाई हैं, जो कि एक तो हमारे सदर्न रीजन में बताइए आपको अनंतपुर में है, एक हमारी हरियाणा में है जो हिसार में है, और एक दिल्ली अपना बुधनी में है मध्य प्रदेश में, और एक है नॉर्थ ईस्टर्न के लिए। यहाँ पे आपको किसानों के लिए
मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाता है और किसी तरह से खर्चा जो है व्यय जो है किसानों को नहीं करना पड़ता है। साथ साथ में हम लोग उनको जो स्टाइपेंड भी प्रोवाइड करते हैं किसानों को और आने जाने का खर्चा भी हम लोग मतलब जो कुछ पैसा भी दिया जाता है। हाँ, और उनकी रहने की सब अरेंजमेंट वहाँ पे होती है। तो मैं किसान समाज को ये कहूँगा कि आपके जो निकटतम जो भी संस्थान है वहाँ पे जाइए, प्रशिक्षण पाइए, खासतौर पर थ्रेशर के ऊपर ही नहीं बल्कि आपको जितनी भी है मशीनें हैं उसके रखरखाव के ऊपर आपको आपको प्रशिक्षण दिया जाता है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप स्टूडियो में आए और आज के विषय से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमारे दर्शकों तक पहुँचाई, साथ ही उनके सवालों के जवाब भी दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ ही आज के हेलो किसान में इतना ही, लेकिन अगले अंक का विषय क्या है आइए डालते हैं उस पर नजर। अगले अंक का हमारा विषय है मूंग और उड़द की खेती, और साथ ही हम आपको बताएंगे बेमौसमी हरे धनिया की खेती के बारे में। आपके अगर कोई सवाल है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर भी अपने सवाल रिकॉर्ड करवा सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, hellokisan2015@gmail.com। इसके साथ ही हमारा टोल फ्री नंबर भी आप नोट कर लें, 1800-1130-60 हमारा टोल फ्री नंबर है, किसान कॉल सेंटर नंबर 1800-1130-60। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच आप कॉल करें, अपने सवाल इस पर रिकॉर्ड करवाएं। चलते चलते एक और जानकारी आपको दे दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम यानी हेलो किसान यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई जा रही इस QR कोड को स्कैन करें, जो कि आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर ले जाएगा, जहां आप हेलो किसान कार्यक्रम को देख सकते हैं। आज के एपिसोड को दोबारा भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर, साथ ही DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी आपको कार्यक्रम अच्छा लगे उन्हें लाइक करें, अपने कमेंट से अपने सुझाव भी हम तक पहुँचाएँ। यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, हेलो किसान के अगले अंक में अगले विषय के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। के बारे में, किसी तकनीक के बारे में या खेती से जुड़ी किसी विधि के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। कृषि विशेष कार्यक्रम के लिए हम लोग पहुँचे हैं चंबल के बिहड़ों में। ये मुरैना जिले का एक क्षेत्र है जहाँ पर गुग्गल और सतावर की खेती होती है। कारोबार के किस्से, कुछ कामयाबी की दास्तानें देखिए हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे आपका अपना कार्यक्रम कृषि विशेष सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर।
The most important pledge is the pledge to vote. Let's support the country. Let's vote for the country. Preparations are in full swing to welcome all of you. Voting day is not a holiday. It's a day of duty. Social media, fun and games, all come later. First duty, voting. Check your name in the voter list. Log on to the voter service portal. We will check everything. Election date, voting booth, candidate details. Only then we will cast our vote. So together, let's fulfill our duty. This is not just a simple mark, but also a mark of respect. We have done our bit for the democracy. So come out and vote. My vote, my duty. My vote, my duty. के साथ।